Rockstars, कैसे हो भाई तुम सब लोग? So I'm hoping that you all are fine. और हमारी preparation बहुत जोरों शोरों से चल रही है. तो as you guys know, जो अभी हम लोग chapter फिलहाल कर रहे हैं उसका नाम है Some Basic Concepts of Chemistry. कुछ पिछले टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, आगे भी और क्वेश्चंस करेंगे. करते हैं आज के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट. बड़ा सिंपल सा टॉपिक रहने वाला है. समझेंगे मोल का क्या मतलब होता है एंड व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, इतना अभी हम शुरू करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है भाई, अब देखो, व्हेनेवर इट कम्स टू अ मोल, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो मैं हर बार देना चाहती हूं, That is a dozen, जिसको आप हिंदी में दर्जन भी बोलते हो. अब अगर मैं आपसे कहूं यार, चाहे मेरे पास ना 1 dozen bangles हैं, चाहे मेरे पास 1 dozen oranges हैं या 1 dozen bananas हैं, आप इसे क्या interpret करते हो? आपको automatically समझ में आ जाता है कि मैं जिस भी item के बारे में बात कर रही हूं उसकी quantity कितनी है मेरे पास, 12. राइट, वो मेरे पास 12 चीजें हैं, 12 चूड़ियां, 12 बनानास, 12 ऑरेंजेस. राइट, सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अ डजन. ठीक है, इन द सिमिलर मैनर, एग्जैक्ट सिमिलर मैनर मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर मैं एक मोल की बात कर रही हूं तो उसमें नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ एंटिटीज कितने होते हैं, 6.022 into 10 raised to power 23 items मेरे पास हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ना 1 mole bananas हैं, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे पास कितने bananas हैं, 6.022 into 10 raised to power 23, बहुत सारे bananas हैं. ओके, सो बड़ी सिंपल से तरीके से हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. अब जो ये पर्टिकुलर नंबर है इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट. ठीक है, बिकॉज ये एवोगैड्रो अंकल ने बताया था कि भाई 1 mole में ये सीन होता है. ठीक है जी, सो ओप्स, व्हाट हैपेंड, ऑल गुड, सॉरी माय बैड. सो 1 mole इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज एज और पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन. राइट, कि अगर आपने 12 ग्राम C12 आइसोटोप लिया, जस्ट वेट, गिव मी अ मोमेंट प्लीज. राइट, ठीक है, सो इफ यू हैव 12 ग्राम्स ऑफ C12 एटम, देन उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बच्चे, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. बहुत सिंपल सी जो बात अभी हमने डिस्कस की एग्जैक्टली वही यहाँ पे बताया गया है, मेंशन्ड है कि स्क्वायर एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं. तो देखो, ये बहुत क्यूट लग रहा था मुझे. यू कैन सी हियर कि जब आपके पास इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे 1 mole, तो उसका मास ग्राम्स में कितना निकल के आया, 12 ग्राम्स. तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है जी, ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास. बड़ी सिंपल सी बात है, सही है, जो आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो. एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज से 12 ग्राम्स पर मोल, कि अगर आप कार्बन का 1 mole लोगे तो उसमें जो उसका वजन होगा वो 12 ग्राम होगा. ठीक है, अब देखो, इट इज लाइक, अगेन आप ना इसको डजन से कनेक्ट करके समझ सकते हो कि 1 dozen में 12 चीजें तो हैं, 12 से बैंगल्स हैं और 12 बनानास हैं, बट बच्चे जो उनका ग्राम्स में वेट निकल के आएगा वो एक्चुअली डिफरेंट निकल के आएगा. मानते हो ना इस बात को? तो एग्जैक्टली वही बात है ये. ठीक है, सो यस, यू कैन सी हियर मोल कॉन्सेप्ट, कि एक तरफ आपने कॉपर लिया
और एक तरफ आपने कार्बन एटम्स लिए। अब देखो दोनों में ही आपने पार्टिकल्स कितने रखे, एवोगैड्रो नंबर, एक मोल की अगर हम बात कर रहे हैं, सो यू हैव टेकन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 6.02 × 10⁻²। कार्बन के केस में उनका जो वजन निकला वो था कितना, 12 ग्राम। कॉपर के केस में वजन कितना निकला, 63.5 ग्राम्स। तो इसी तरीके से बच्चे डिफाइन होता है मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, कीप थिंग्स सिंपल। ओके, तो ये देखो हो गया, और यहां से शुरू होते हैं हमारे क्वेश्चंस। नहीं, क्वेश्चन नहीं है, एवोगैड्रो नंबर इज ओके, प्लीज पढ़ लो भाई एक बार, सब लोग जो अभी बातें बताई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं ताकि आप इजीली पढ़ पाओ, देख सकते हो। ठीक है जी, आगे बात करते हैं कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल दो हमने ये सब कुछ पिछले सेशंस में भी देखा है, किया है, बट क्योंकि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं तो ये फॉर्मूले तो डिस्कस करने बनते हैं। मास ऑफ वन मोल आप उसको क्या बोलते हो बेटा, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स बहुत जरूरी फॉर्मूला बच्चे, आप कैसे निकालते हो, गिवन मास, जो भी मास आपको ग्राम्स में रिक्वायर्ड है या जो भी आपको गिवन है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ओवर मोलर मास, ऐसे आप निकालते हो क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो इसको तो हमेशा याद रखना, हमने पीछे भी ये सब कुछ यूज किया है फॉर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। ठीक है, आगे बात करते हैं, वी हैव फॉर अ गैस, हम गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे, वॉल्यूम के थ्रू कनेक्ट करके। तो हमने पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग, वन मोल ऑफ एनी गैस है ना एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो किसी भी गैस के लिए अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, आप क्या बोलोगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, एंड वी ऑलरेडी नो दिस मोलार वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में, वैसे तो देखो जनरली लिखा होगा कि एसटीपी कंडीशन पे ही बात हो रही है, बट अगर नहीं भी गिवन तो आप उसको एसटीपी लेके सॉल्व करोगे। ओके, क्योंकि हमें पता है कि एसटीपी पे 22.4 लीटर्स जो है एक गैस ऑक्यूपाई करती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो गिवन वॉल्यूम ओवर मोलार वॉल्यूम, इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो गैसेस के भी। सही है, आगे देखते हैं क्या गिवन है, वन मोल कंटेन्स एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमको पता है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन मोल्स, अब एक मोल में अगर एनए मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर, ये तो सबको पता है भाई, बड़ा बिकॉज हम फटाफट रिव्यू कर रहे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार एन ए इज एवोगैड्रोस नंबर, राइट, तो इट इज सिंपली एन इंटू एन ए, एक एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन मोल्स कितने निकल के आएंगे, एन इंटू एन ए, बहुत सिंपल सी बात है। फॉर एनी जनरल केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन, प्लीज रिमेंबर कि ना हम यहाँ पे जब भी कोई चीज निकालेंगे ना, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। ऑलराइट, तो यस प्लीज रिमेंबर कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है, से ए ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी, दिस इज द रिएक्शन। ऑलराइट, तो आप जो एक नया रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो क्या है, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल ए is equal to moles of b divided by this small b, ye abc jo coefficient hai in a balanced chemical reaction, okay, to aap ye likh sakte ho। aage ab hamare paas question shuru hote hain, dekhte hain। ab yaar generally jo trend dekha gaya hai, maximum number of questions jo design kiye jate hain is particular मोल कॉन्सेप्ट से, इट इज समवेयर
यार आपको ना चार ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको बताना है कि इसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स या हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनमें से किस में प्रेजेंट है, ठीक है, हाईएस्ट या लोएस्ट कुछ भी पूछ सकता है। तो इनमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब देखो यार हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपको इन चारों के लिए जरूरी नहीं है कि आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो फिर एवोगैड्रो नंबर से प्रॉपरली मल्टीप्लाई करो, जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है ऑटोमेटिकली उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, सही है। तो आपको यहाँ पे टाइम अपना व्यर्थ नहीं करना है कि आप उसको 6.02 × 10⁻²³ से मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 28 ग्राम्स ऑफ CO2। तो बच्चे कैसे निकालोगे आप इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स, मैम गिवन मास ऑलरेडी गिवन है 28 ग्राम्स डिवाइडेड बाय CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा मैम, 12 + 32 यानी कि 44। तो ये आ गया 28/44, ठीक है। 46 ग्राम ऑफ C2H5OH तो कितना आ जाएगा ये भैया, C2H5OH 46 ही निकल के आएगा, सो इट्स गोना बी 46/46। पहले बच्चे आप सारे ऐसे कैलकुलेट कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा होने वाला है। 36 ग्राम्स ऑफ H2O, चलो जी गिवन मास 36 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बच्चे, 18। 54 ग्राम्स ऑफ N2O5, तो आप देख सकते हो कि सिमिलर तरीके से आप हर किसी के गिवन मास बाय मोलर मास बड़े सिंपल तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, राइट, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, आप आराम से इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ निकल के आते हैं, 2 moles, राइट, सही बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। ये 1 mole है, इट मस्ट बी 46 not 48, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर सी हियर इज द राइट ऑप्शन, 36 ग्राम्स ऑफ H2O क्योंकि इसमें 2 mole पानी प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, अब देखो 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। तो बच्चे यहां पे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे गैस के लिए, STP कंडीशन है, गिवन वॉल्यूम मैम कितनी है, 15 लीटर है, डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम कितनी होती है मैम, 22.4 liters। कोई भी गैस STP पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, सही है। चल आगे बात करते हैं, 5 liters ऑफ N2 गैस एट STP, तो बच्चे ये हो जाएगा 5/22.4। तो देखो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी से ज्यादा है, तो बी तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर ऊपर वाले का ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ए और बी अगर ऑप्शन हो तो ऑप्शन ए ही हो सकता है। सी और डी भी चेक कर लेते हैं, 0.5 ग्राम्स ऑफ H2 गैस, तो देखो यहां पे गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लगेगा, सो इट्स गोना बी 0.5/2, H2 गैस की बात हो रही है। 10 ग्राम ऑफ O2 गैस, तो आप इसको बोल सकते हो 10/32, ठीक है। ये देखो एग्जैक्टली जो चीज अभी हमने देखी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बाकी सब ऑप्शन नंबर ए से छोटे वैल्यूज आ रहे हैं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं दैट मैम 15 लीटर ऑफ H2 गैस इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अभी देखो बच्चे एक और जो अभी मैंने आपको बात बताई भी थी, हर क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करे हैं, क्योंकि जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली उसके लिए मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा निकल के आ जाएंगे, ठीक है जी। यहां पे भी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, जब आप इसको Na से मल्टीप्लाई करोगे हर किसी को करना पड़ेगा, तो
जो ऑर्डर है वो सेम रहने वाला है, राइट? जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, सही? आगे ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, आगे देखते हैं। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर मैक्सिमम? बच्चे ये सारे ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये सभी नीट PYQs हैं, ठीक है जी? ये सभी के सभी नीट PYQs हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने सिंपल क्वेश्चंस एक्चुअली आपसे पूछे जा रहे हैं यहां से। ऑलरेडी आपको मोल्स गिवन है यहाँ पे 10^-3, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट STP। देखो ये कंडीशन STP की होती है, बच्चे बताया था 180 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। ऑलरेडी आप किस पे बात कर रहे हो? STP पे बात कर रहे हो। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन वॉल्यूम बच्चे कितनी है? 0.00224 ओवर 22.4, ये आ जाएगा। आगे देखो 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, 0.18 ग्राम। गिवन मास कितना है? 0.18। मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है? 18। नेक्स्ट की बात करते हैं, 18 ml ऑफ वाटर। तो बच्चे देखो वाटर की डेंसिटी होती है 1 g/ml, तो यहां से 18 ml ऑफ वाटर इज एक्चुअली इक्वल टू जस्ट 18 g, तो इसीलिए आप इसको बोल सकते हो 18/18, यानी कि 1 mole, ठीक है? और एक्चुअली अगर आप देखो बाकी तीनों ऑप्शंस को देखोगे तो बाकी तीनों ऑप्शंस दीज आर लेस देन 1। ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली 1 विच इज इक्वल टू 1, बाकी सभी 1 से छोटे हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यार आपका राइट आंसर, ठीक है? तो हमें हर चीज एंड तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही स्मार्टली देख सकते हो कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आप देख सकते हो जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे इन्होंने सॉल्व किया। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की बात करते हैं। दो एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, दो कंपाउंड जो बना रहे हैं X2 और एंड X3Y2। व्हेन 0.1 mole ऑफ X2 वेज 10 g, 0.05 mole ऑफ X3Y2 वेज 9 g, The atomic weights of X and Y are. This is also a previous year NEET question. NEET PYQ. अब ये question देखते ही बड़ा खतरनाक सा फील होता है ना? बहुत खतरनाक फील होता है। अभी देखो यार, मेरे पास दो कंपाउंड है, पहला मैंने लिया XY2 और दूसरा है अपने पास X3Y2, ठीक है? मैं कह रही हूं X का atomic mass है से AX और y का एटॉमिक मास है से ay, ठीक है? तो आप XY2 का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे ना मैम इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं यहां से, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ax + 2 into ay, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हो ना? अगर ये सपोज CO2 होता तो आप क्या बोलते? कार्बन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है मैम? 12 होता है, प्लस 2 into 16, ऐसे ही तो करते हो। एग्जैक्टली वही चीज मैंने यहां पे की है, मॉलिक्यूलर मास आ गया, ये क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? X3Y2 को आप कैसे लिखोगे मैम? 3 into ax + 2 into ay, दिस इज द एटॉमिक, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ X3Y2। तो अभी देखो बच्चे मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है किसके? XY2 के। तो देखो मैं क्या बोल सकती हूं,
नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने गिवन है मैम? 0.1। इट विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सेम फॉर्मूला हर बार यूज होने वाला है। गिवन मास बच्चे इसका कितना है? इट वेज 10 ग्राम्स। तो अब क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमने एक्स वाई टू का कितना निकाला? ए एक्स प्लस 2ay। सही है। दूसरे की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है इसके? 0.05 मोल्स। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स, इनफैक्ट इसको उधर रख लिख लेते हैं, 0.05 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बच्चे कितना है उसका? 9 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास अभी हमने कितना निकाला उस कंपाउंड का? 3ax प्लस 2ay। सही है। अभी देखो आप इसको इधर लेके जा सकते हो और ये लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी, राइट? इट विल बिकम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप देख सकते हो जो एग्जैक्टली अभी हमने किया ना वही यहाँ पे गिवन है। इट विल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये आपको सॉल्व करनी आती है मुझे लगता है, और अगर नहीं आती है तो ऑप्शन में उठा के देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है आपकी इक्वेशन को। दो तरीके हैं, तो प्रॉपरली सॉल्व कर लो और एल्स यहां से उठा के देख लो कि आपके इक्वेशन में क्या चीज बैठ रही है। तो देखो बच्चे हमने एग्जैक्टली यही चीज करा था। ये इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, ठीक है? फिर आप आगे इसको बोल सकते हो ax प्लस 2ay इज इक्वल टू 100 एंड 3ax प्लस 2ay इज इक्वल टू 180। जब आप इसको सॉल्व करोगे x और y की, ax और ay की वैल्यूज के लिए, तो ये आ जाएगा 40-30। सेटिस्फाई करके देख लेते हैं 40-30 ऑप्शन नंबर सी। देखो ए एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 40 प्लस 2 इंटू ए वाई, ए वाई इज 30। सो 40 प्लस 60 इज 100 सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट इज वाई दिस इज आर राइट आंसर। सही है। एक बार सब बच्चे देख लो, कोई भी अगर परेशानी है तो मुझे बता दो। सही है। चलिए आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Which has the maximum number of molecules? यार फिर से जेईई मेन 2011 का क्वेश्चन है ये, एंड यू मस्ट नो कि जेईई मेन्स के PYQs बहुत बार नीट में रिपीट होते हैं, तो ये करना भी एक्चुअली हमारे लिए जरूरी है। अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मैम क्या चीज सॉल्व करें, तो बच्चे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमें करने ही है, उसके साथ साथ अगर आप जेईई मेन के भी PYQs कर लोगे तो मामला और ज्यादा सॉलिड हो जाएगा, ठीक है? चलिए यार ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? आपको सिमिलरली क्या लगाना है मैम? नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, गिवन मास जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मैम 44/44, राइट? बस ये करना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ मोल्स बता दोगे, जिसके मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा, ठीक है? 44/44, 48/48, 8/2 एंड 64/64 ज्यादा किसमें आ रहा है मैम? H2, 8 ग्राम्स ऑफ H2। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सिंपली मोल्स निकाले हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए हम यहाँ पे इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी डेटा सेम रहने वाला है, डेटा का ऑर्डर सेम रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास एक ट्राई एटॉमिक गैस है, मतलब कि जैसे सेम O3, आपके पास ओजोन गैस है, ठीक है? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो आपसे पूछा गया कि उसके 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, मैम एक मॉलिक्यूल में 3
एटम्स प्रेजेंट हैं। तो 0.1 में कितने होंगे? 0.1 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल में तीन प्रेजेंट है, सो मल्टीप्लाइड बाय 3। नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 × 10^23। दिस इज गोना बी योर फाइनल आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल, और ये भी हमारा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, सो यू कैन सी 3 × 0.1 × 6.02 × 10^23, 1.8 × 10^23। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो सिंपली बस मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में आपको 15 सेकेंड से भी कम टाइम की नीड है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। 15 to 20 seconds आर सफिशिएंट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट, और इसके अभी सिर्फ हम इस टॉपिक को समझेंगे, आगे इसको इंप्लीमेंट करेंगे स्टोइशियोमेट्री में। ठीक है, पर समझ लेते हैं कि हमारे लिए ना जरूरी क्यों है और कैसे है। ठीक है, अभी देखो इसको समझाने का बेस्ट तरीका मुझे क्या लगता है, चलो इसको यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज मैंने ओपन किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे पास ना एक कॉफी का शैशे है। ठीक है, ये है एक कॉफी का शैशे। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, सो डोंट जज मी। ठीक है, और ये है एक कप मिल्क, दिस इज मिल्क। आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको एक कप कॉफी बनानी है, आपको क्या बनाना है? दिस इज कॉफी मिक्स। इसको दोबारा से बना लेते हैं, यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। ओके, दिस इज कॉफी मिक्स। ठीक है, जो छोटे छोटे शैशे आते हैं ना, ये वो है। ठीक है, एंड हियर वी हैव अ कप ऑफ मिल्क, हियर वी हैव अ कप ऑफ मिल्क। ठीक है, और इससे हमें मिलती है एक कॉफी। एक कप आपको क्या मिल जाती है? कॉफी मिल जाती है। ठीक है जी, सही। तो अगर आपको एक कप कॉफी बनाने के लिए एक ही कप, एक ही कॉफी मिक्स की जरूरत है और एक कप मिल्क की जरूरत है, दिस इज मिल्क। ठीक है, अगर मेरे पास फॉर इंस्टेंस 4 कॉफी मिक्स है, लेकिन ना दूध मेरे पास 3 कप ही है, दूध मेरे पास 3 कप्स है, तो मैं कितनी कॉफी बना सकती हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ 3 कप कॉफी बना सकती हूँ। कोई शेयरिंग नहीं होने वाली है यहाँ पे कि मैम काम चला लेंगे, दोस्त हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बोलोगे कि मैम अभी सिर्फ 3 कप कॉफी बनेगी, 3 कप ही कॉफी आप बना पाओगे, राइट? क्यों? क्योंकि मैम हमारे पास ना दूध जो है वो कम था, है ना, दूध ने हमारे प्रोसेस को लिमिट कर दिया, रोक दिया, क्योंकि ना वो कम मात्रा में प्रेजेंट था, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट था। तो यहाँ पे जो हमारा मिल्क है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पे जो हमारा मिल्क है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। कॉफी हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा पाउच प्रेजेंट है, बट वो अनरिएक्टेड है, ऐसे ही रखा है बेचारा। सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, कि जो चीज रह गई, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन आगे और नहीं बढ़ पाया, जिसने हमारे रिएक्शन को लिमिट कर दिया, वो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चल, जो बात अभी मैंने आपको समझाई एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, द सब्सटेंस दैट इज टोटली कंज्यूम्ड, जो सब्सटेंस पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका है इन अ रिएक्शन, इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज इट डिटरमाइंस और इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, उसके वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिमिट हो जाते हैं कि बस इससे ज्यादा आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दस
The other reactant present in access is called as access reagent. हमारे केस में कॉफी access reagent है और milk limiting reagent है, ठीक है? So this is the basic concept. आप फटाफट से इसको यहां से लेके और यहां तक read कर लो. मैं screen से हट जाती हूँ, ठीक है भाई? Cool है. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. So this is your basic concept of limiting reagent. इसको अभी एक reaction के help से भी समझ लेते हैं. 2H2 plus O2 gives you 2H2. This is a balanced chemical reaction. Please notice limiting reagent. आप जब भी देखोगे किसी reaction में, make sure to balance the equation. It's very important. Make sure to balance the reaction. अभी देखो, reaction को करने के लिए हमको 2 मोल हाइड्रोजन गैस जब 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो हमको 2 मोल पानी मिल जाएगा, 2 मोल्स H2O मिल जाएगा. अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बच्चे बिफोर रिएक्शन मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, मेरे पास 10 मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मेरे पास 7 मोल ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और अभी क्योंकि रिएक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास पानी 0 मोल्स है. After reaction, अभी देखो बच्चा, जब reaction शुरू होगा, 2 मोल hydrogen, 1 मोल oxygen gas के साथ react करती है, आधे के साथ. तो बच्चे जो 10 मोल hydrogen है, वो actually सिर्फ और सिर्फ 5 मोल oxygen के साथ ही react करेगी और ये 2 मोल्स बच जाएंगे, 2 मोल्स left बच जाएंगे ना. और देखो यहां से आप देख सकते हो जितने मोल्स आपने इनिशियली हाइड्रोजन लिया है उतने ही मोल्स यहाँ पे पानी बनेगा, तो यानी कि 10 मोल्स ही पानी बनेगा. तो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो 100% कंज्यूम हो गया है, वो है बच्चे हाइड्रोजन. तो हमारे केस में H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट. और जो बच गया, जो एक्सेस में है, कौन है बच्चे एक्सेस में, ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हम बोलेंगे O2 इज एक्सेस रिएजेंट. तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मुद्दा होता है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में. दिस इज द मुद्दा, बेसिक मुद्दा. इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे आगे के क्वेश्चंस में, आगे के कॉन्सेप्ट में, ठीक है? राइट. तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है Expressing the concentration of solution. You can see here कि आप किसी solution की concentration, यानी कि अगर कोई solution आपको दिया गया है तो आप कैसे बताओगे कि उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके solution में सोल्यूट बहुत ज्यादा मात्रा में डला हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की वो बहुत हाई है ना. चाहे अगर आप बात करो अपने बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में कि आपने पानी लिया और उसमें आपने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूट क्या है, नमक, सॉल्ट. तो जितना ज्यादा सॉल्ट आप डिसॉल्व करोगे आपकी उस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उतनी ज्यादा होती जाएगी यार. बड़ी सिंपल सी बात है. हर चीज को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम लोग पढ़ पाए ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हमारे माइंड में ना आए. सही बात है. चल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट वे जिससे हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करना है, इट इज मास परसेंटेज. व्हाट इज इट, इट इज मास परसेंटेज. तो देखो यार, फॉर्मूला तो तुम सब लोगों को पता है, राइट? कि यार ऊपर मैम लो के सॉल्यूट का कितना मास है, नीचे सॉल्यूशन का कितना मास है, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं. अब इसका मतलब क्या होता है, इफ आई टेल यू दैट आई हैव अ सॉल्यूशन विच इज से 20% मास बाय मास NaCl सॉल्यूशन, ठीक है? इफ आई टेल यू आई हैव 20% weight by weight, या basically mass by mass NaCl solution, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 gram solution है, in 100 gram of solution, इसमें आप बोल सकते हो कि मैम 20 grams जो है वो NaCl है. 20 grams बच्चे यहाँ पे क्या है, NaCl है.
बचा कितना? आप बोलोगे कि मैम जो रेस्ट ऑफ द 80 ग्राम्स वो क्या रहा होगा? वॉटर रहा होगा। तो आप यहां से इस बात को इंटरप्रेट कर सकते हो, 80 ग्राम वॉटर, ये मतलब है आपके परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्यूशन का। ओके, सो यू कैन सी हियर, सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ कंपोनेंट ए एज द सॉल्यूट एंड बी एज द सॉल्वेंट। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कैसे निकालना है। ऊपर सॉल्यूट कितना है, नीचे सॉल्यूशन कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अभी हम लोग परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ये तीनों चीजें देखने वाले हैं। और इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे ऊपर जो है, ऊपर न्यूमरेटर में आप हमेशा सॉल्यूट के बारे में बात करोगे और डिनोमिनेटर में आप हमेशा सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, सही है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट? सही बात है। तो देखो कि अगर मैंने कहा कि आपके पास अब की बार सिर्फ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपके पास अल्कोहल सॉल्यूशन है या फिर से इथेनॉल सॉल्यूशन, मोर स्पेसिफिकली इफ आई टेल यू यू हैव 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन, तो आप यहां से क्या इंटरप्रेट करोगे? देखो बड़ी मजेदार बात यहाँ पे निकल के आती है, और वो क्या है? आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम 10 ml, अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप बोलोगे कि मैम इस 100 ml में से जो 10 ml है वो क्या है? इथेनॉल है, 10 ml इथेनॉल है। तो क्या आप ये बोल सकते हो दैट रेस्ट ऑफ द 90 ml इज योर सॉल्वेंट? क्या आप ये बात हमेशा बोल सकते हो? माइट बी पॉसिबल कि अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो वॉटर है, राइट? तो ये सिचुएशन वैलिड हो सकती है, बट ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट एज वेल ना, है ना? आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चे यहां से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहां से निकल के आ जाएगी मास ओवर डेंसिटी, सही है? तो वॉल्यूम डेंसिटी पे जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, हमें पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है इट इज 1 g/ml, इसीलिए हम यहाँ पे शायद बोल पाएंगे कि यार ठीक है 90 ml यहाँ पे बाकी का पानी है। बट आप हर केस में अगर आपका सॉल्वेंट चेंज हो जाता है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो बाकी का 90 ml है वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो आप क्या बोलोगे? 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन, कि टोटल तो 100 ml है, उस 100 में से फॉर श्योर 10 ml जो है वो अल्कोहल है और जो बाकी है वो क्या है? सॉल्वेंट है हमारा। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन से। सिमिलर फॉर्मूला है कि आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए लोगे जो कि है आपका सॉल्यूट, ए यहाँ पे क्या है आपका? सॉल्यूट है। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स व्हाट यू कैन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वॉटर इज सेड टू बी 10% बाय वॉल्यूम, देन यू कैन से दैट 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ml ऑफ NaCl। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलरली उसी तरीके से आप बोल सकते हो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ योर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सही है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन क्या होता है बच्चे? 10^6। अब देखो अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक सिर्फ 5 ppm सॉल्यूशन है, ठीक है, 5 ppm सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब हो ये समझना ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास 10^6 g सॉल्यूशन है,
इन 10 रेज टू पावर 6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। आप क्या बोल सकते हो कि इसमें से 5 ग्राम जो है वो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉरी क्या है बच्चे, सॉल्यूट। 5 ग्राम यहाँ पे सॉल्यूट है। ये आप यहां से इंटरप्रेट कर सकते हो कि 10 रेज टू पावर 6 पार्ट्स में अगर आपने अपने सॉल्यूशन को 1 मिलियन पार्ट्स में बांट दिया तो उसमें से जो 5 पार्ट्स हैं वो आपके सॉल्यूट के हैं। ये बड़ा सिंपल सा मतलब है हमारे पार्ट्स पर मिलियन का। जब हम परसेंटेज के साथ डील कर रहे थे, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 से। अभी हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं भाई, मिलियन, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 रेज टू पावर 6 से। वेरी इजी राइट। सो मास ऑफ ए, अगेन ए इज योर सॉल्यूट। न्यूमरेटर में आप हमेशा अपनी सॉल्यूट के बारे में बात करते हो, ठीक है। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6। आप एक बार ही देख लीजिए स्क्रीन पे जो भी लिखा है, सही बात है। बहुत इजी तरीके से, फटाफट तरीके से हम लोग हम सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम लोग अभी क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं मोलारिटी। नाउ दिस इज माय फेवरेट, मोलारिटी। मोलारिटी पे बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ना एक्चुअली हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मोलारिटी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाली हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद करने की, क्योंकि आपके पास लाइक यू ऑलरेडी हैव प्लेंटी ऑफ फॉर्मूले, राइट। सो आई डोंट वांट दैट कंफ्यूजन कि मैम इस फॉर्मूले में 1000 ऊपर नीचे था, ऊपर था या नीचे था, क्या था 1000 के साथ सीन, 100 था, 1000 था, न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में था, आप इसी माया जाल में फंसे रह जाओगे, ठीक है। तो बेटर है कि समझा जाए जो टर्म हमको गिवन है एक्चुअली में उसका मतलब क्या है। तो बच्चे मोलारिटी, मोलारिटी का बहुत सिंपल फंडा है कि मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर, ठीक है, जिसमें आप कोक पीते हो ना, इमेजिन दैट बॉटल, ठीक है भाई, इमेजिन दैट बॉटल ऑफ 1 लीटर। अब उस 1 लीटर में मैंने कितना सॉल्यूट ऐड किया मोल्स में, मुझे जो यूनिट चाहिए वो क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। तो मैंने उस 1 लीटर में कितने मोल मेरा सॉल्यूट डाला, सिंपली वो उसकी मोलारिटी हो जाएगी। दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि यार मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है और 1 लीटर में मैंने 2 मोल सॉल्यूट डाला, 1 लीटर में मैंने 2 मोल सॉल्यूट डाला, तो मेरी मोलारिटी चुपचाप आराम से कितनी हो गई, 2 मोलर। मैम 1 लीटर में जितना मोल्स है वो हो गई मोलारिटी, तो 2 मोलर मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 लीटर की जगह 2 लीटर सॉल्यूशन पे आ जाऊं, तो 2 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 4 की होगी ना, ताकि मोलारिटी सेम रहे, है ना। अगर 1 लीटर में 2 मोल्स हैं तो 2 लीटर में 4 मोल्स होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है ये तो। यूनिटरी मेथड, सेकेंड थर्ड क्लास के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं ना, 1 लीटर में अगर 2 मोल हैं तो 2 लीटर में 4 मोल हो जाएंगे, ताकि हमारी मोलारिटी सेम रहे, ठीक है। सेम सॉल्यूशन की बात कर रही थी मैं, चलिए। तो ये हो गई बड़ी सिंपल सी बात। अब आप बोलोगे कि मैम फॉर्मूले की तो जरूरत है ना। अरे जब अब तुम्हें पता है कि बच्चे जो मोलारिटी है, इट इज सिंपली द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैं जनरली बच्चे हमेशा अगर सबस्क्रिप्ट में हम कहीं भी 1 और 2 लिख रहे हैं, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, अगर मैंने कुछ से लिखा एक्स, अगर मैं कुछ भी इस एक्स के नीचे लिख देती हूं, ये है इसकी सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अगर इसके ऊपर लिख देती हूं तो ये हो गई इसकी सुपरस्क्रिप्ट। ऊपर लिखा हुआ सुपर, बड़ा है, सुपरस्क्रिप्ट, नीचे वाला सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर किसी भी अल्फाबेट के सबस्क्रिप्ट में मैंने 2 लिखा है, 2 मीन्स सॉल्यूट, ठीक है, 2 बोले तो सॉल्यूट,
एंड वन बोले तो सॉल्वेंट, कुछ नहीं लिखा तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमेशा याद रखो मोलारिटी इज एन टू बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ एक सीन है कि मैम ये ना लीटर्स में प्रेजेंट होनी चाहिए, मुझे ये क्वांटिटी लीटर्स यूनिट में डालनी है हमेशा। अब देखो तुम लोग 12वीं क्लास के बच्चे हो, राइट, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू कि आपको पता है एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, है ना, ये सब कुछ तुमको आता है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। ml को लीटर में कन्वर्ट करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं ये तुमको बताया हुआ है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा एक ही फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जब तुम मोल्स एज इट इज निकाल सकते हो, तुम वॉल्यूम को लीटर्स में निकाल सकते हो, तो क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत रह गई? कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रही, सही है। तुम्हें ऑटोमेटिकली पिछले सेशन में बताया जा चुका है, नंबर ऑफ मोल्स बोले तो गिवन मास जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो यहां पे आपने निकाले नंबर ऑफ मोल्स, नीचे निकाली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में, बस खत्म, कोई थाउजेंड थाउजेंड का सीन नहीं है, सही है। तो दिस इज द इजिएस्ट वे और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं याद करने को, जहां पे भी आप चीजें समझ सकते हो हमेशा समझ के चीजें करो, बहुत मजा आएगा एंड सारे क्वेश्चंस बड़े प्यार से बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे, सही है। चल जी, मुझे लगता है अभी तक इसमें कोई डाउट कोई परेशानी नहीं रही होगी। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैरिटी हमने इससे पहले किया था जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी इज कैपिटल एम, मोलैलिटी इज स्मॉल एम, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम मोलैलिटी क्या होता है? तो बच्चे अगर आपके पास अब की बार जो सॉल्वेंट है, प्लीज मेक श्योर कि मोलालिटी में हम लोग सॉल्वेंट के साथ डील करते हैं एंड दैट टू वो सॉल्वेंट किस यूनिट में प्रेजेंट होना चाहिए, किलोग्राम्स में। जैसे पिछली बार मैंने कहा था मोलालिटी में कि वॉल्यूम होनी चाहिए लीटर्स में, सिमिलरली उसी तरीके से मैं कह रही हूं कि यहाँ पे जो मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट है इट मस्ट बी प्रेजेंट इन केजीज, किस यूनिट में प्रेजेंट होना चाहिए, किलोग्राम्स में। अब ग्राम्स, अगर कोई चीज फॉर इंस्टेंस आपको मैंने ग्राम्स में गिवन है तो आप उसको किलोग्राम्स में चेंज करना जानते हो कि नहीं जानते हो राइट। चलो सो यस, मोलालिटी सिंपली कितने मोल्स प्रेजेंट हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ओनली। कि अगर आपने 1 kg सिर्फ पानी लिया, You have 1 kg of water, ठीक है। अब आप उसमें कितना सॉल्यूट एड कर रहे हो, इट बिकम्स योर मोलैलिटी। वेरी सिंपल वेरी इजी, ठीक है। मोलैलिटी क्या था कि जो आपके पास सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। यहां पे आप बात कर रहे हो कि जो आपका सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट को आपने kgs में लिया है तो उसमें आप कितने नंबर ऑफ मोल्स डाल रहे हैं, ठीक है। सो इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। अगेन नंबर ऑफ मोल्स निकालने आप जानते हो, ग्राम्स टू किलोग्राम्स आप चेंज करना जानते हो, तो कोई थाउजेंड ऊपर नीचे की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, चाहिए। बाकी जानेंगे क्वेश्चन के दौरान कि इसको कैसे करना है, ठीक है। नॉर्मैलिटी, अब देखो यार नॉर्मैलिटी क्या होता है, यहां पे पिक्चर में आता है इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, राइट। तो देखो वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, दिस इज सिंपली नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, राइट। तो आप इसको
एक तरीके से लिख सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, जिस तरीके से आप देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। लेकिन हमें अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने हैं तो आप बोलोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? अगेन लीटर्स में। ये बिल्कुल ना एक्चुअली मोलारिटी जैसा ही है, बस हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंस की बात करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आपको मैंने भी बताया, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है जी, दैट्स व्हाट यू कैन से, जस्ट लुक एट द स्क्रीन व्हाट सो एवर इज रिटन हियर। ठीक है जी, इसमें कोई परेशानी यहां पे? अच्छा, एक परेशानी आ सकती है कि मैम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं वो बता दो। तो देखो, अगर बात की जाए किसी एसिड के बारे में, से हमने बात की HCl के बारे में, तो इसकी बेसिसिटी क्या है? इस एसिड की बेसिसिटी क्या है? वही इसका n फैक्टर है। अब n फैक्टर क्या होता है? जो भी बताया, ठीक है, एक एसिड के लिए उसका n फैक्टर उसकी बेसिसिटी होती है। एक बेस के लिए उसके n फैक्टर की वैल्यू इज इक्वल टू द एसिडिटी। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट है तो सिंपली उसकी वैलेंसी क्या है वो उसका n फैक्टर हो जाएगी। इस पे हम बहुत ज्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे। ठीक है भाई, सो यस, व्हाट यू कैन से हियर, इट्स मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज 36.5 डिवाइडेड बाय 36.5 डिवाइडेड बाय इट्स n फैक्टर। ये कितने h पॉजिटिव दे सकते हैं बच्चे? एक। तो यानी कि 36.5 ही है इसका इक्विवेलेंट मास भी। ठीक है भाई, That's what you can say. अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ना 3.65 grams HCl present है, कितना HCl present है? 3.65 grams. तो इसके लिए मुझे number of equivalence बताओ। तो इसके केस में number of equivalence is equal to the number of moles. आप क्या बोलोगे? Number of equivalence क्या होते हैं बच्चे? Given mass. Given mass कितना है? 3.65 डिवाइडेड बाय इट्स गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इसका कितना निकल के आया? 36.5। ठीक है, तो 1/10 यानी कि 0.1 निकल के आ जाते हैं इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। अगर आप बात करो H2SO4 के बारे में तो बच्चे उसकी बेसिसिटी है 2, यानी कि उसका n फैक्टर है 2। सही है, तो वहां से आप उसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज और ऐड कर लेते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। बच्चे फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? इट कैन नॉट एक्सीड 1, राइट? सो इफ आई टेल यू कि मेरे पास नेक्स्ट उस पे ही चलते हैं। चलो ठीक है, इफ आई टेल यू कि मेरे पास ना दो कॉम्पोनेंट्स हैं ए बी, ठीक है, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताना है कि पूरे सॉल्यूशन में कितना फ्रैक्शन मेरे पास ए का मौजूद है, तो सबसे पहली बात हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं। सो आई कैन राइट एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एन ए प्लस एन बी इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर मैं चाहूं कि यार मुझे ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना है, सो दैट्स गोना बी एक्स बी, और वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं न्यूमरेटर में, आप उसी के नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे। सो एक्स बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए प्लस एन बी। ठीक है,
कूल है। तो बच्चे यहां से आप जो एक और चीज डिराइव होती है, डिराइव तो नहीं, बड़ी सिंपल सी बात, कि फ्रैक्शन हमेशा वन से छोटा या वन के इक्वल रहता है। जैसे परसेंटेज की जब हम बात करें तो हम 100% की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी टोटल का फ्रैक्शन मिला के, ए और बी का फ्रैक्शन मिला के पूरा हो जाएगा ना वन, सो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। सही बात है, इसमें आई डोंट थिंक कोई परेशानी वाली बात है, सब क्लियर है। अब यहां पे बच्चे लेट मी स्टे आउट ऑफ द बोर्ड, ये तीनों रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ये कहां से आए, क्यों आए, वी डोंट हैव मच टाइम कि हम उसको डिटेल में डिस्कस करें। बेटर ये है कि आप इन फॉर्मूले को याद रखें, आपको पता हो, जब हम पूरे कोर्स की बात करेंगे तब आपको फॉर श्योर बताया जाएगा कि ये सारे फॉर्मूले कैसे निकल के आए हैं, बट अभी के लिए आपको इनको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न देम। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी। तो आप क्या बोल सकते हो, नॉर्मैलिटी इज एक्चुअली इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी, या फिर इस वैलेंसी को हम एन फैक्टर भी बोल सकते हैं। एन फैक्टर के बारे में अभी हमने पीछे भी बात की थी, ठीक है। अगर आप किसी एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो, देन योर एन फैक्टर इज इक्वल टू दी वैलेंसी, ठीक है। ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी, दैट इज कैपिटल एम, मोलैलिटी विच इज स्मॉल एम, एंड डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन विच इज डी, ठीक है, उनके बीच का रिलेशनशिप है। एक और चीज यहाँ पे पिक्चर में आती है, दैट इज एम टू। एम टू यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। मैंने आपको बताया था जहां पे भी टू लिखा हो सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम टू बच्चे क्या है हमारा, एम टू इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज योर एम टू। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप, वन बाय मोलैलिटी इज इक्वल टू डेंसिटी बाय मोलैरिटी माइनस एम टू बाय 1000। एम टू इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। बच्चे ये रिलेशनशिप मैं बहुत बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिंपली इस फॉर्मूले पे बेस्ड पूछे जा चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू लर्न दिस फॉर्मूला थॉरली। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। सो दिस इज मोलैलिटी इज इक्वल टू एक्स टू बाय एक्स वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट into 1000 divided by m2. m2 is again molecular weight of the solute. यहाँ पे बच्चे अगर आपको x2 की value पता है तो आप बोल सकते हो कि मैम you already know, what do you know, कि मैम x1 plus x2 is equal to 1. तो अगर हमें x2 की value पता है तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, x1 is equal to 1 minus x2. आप यहाँ पे इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन, इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर यू, सही है। चल आगे बात करते हैं, और अभी हमें डील करना है क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम सब कुछ, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उस पे बेस्ड और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो वैसे मत सोचना कि कुछ टॉपिक्स अगर रह गए हैं तो वो हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ, हम उन पे बेस्ड भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। यस, ऑलराइट। 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, सिंपली अभी देखो हमसे क्या पूछा गया है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या बताया है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है।
दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द बेसिक मीनिंग जो हमको पता है. नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास है 9.8 ग्राम्स. H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट वैसे ही याद होता है आप सबको 98 ग्राम्स. तो 9.8 डिवाइडेड बाय 98, 0.1 आ गया. वैसे ही पता चल गया 9.8 डिवाइडेड बाय 98 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स ऑलरेडी आपको गिवन है 2. ये देखो बस आ गया आपका आंसर. ठीक है, 9.8 डिवाइडेड बाय 98, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया? 0.05. एग्जैक्टली यही चीज करी थी हमने. मैंने इसीलिए आपके लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशंस जहां पे एग्जैक्टली लिखा हुआ भी है कि जब आप बाद में सिर्फ अपने नोट्स को स्क्रॉल करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है बच्चे, सो हियर द आंसर इज 0.05 मोलर. ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. बड़ा सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन था, पीएमटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है दो बार, किन्हीं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो ऑलरेडी कि आपसे कितने बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अब देखो पता है यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको ऑलरेडी 2 लीटर्स लिख के दे दिया. अब जिन बच्चों ने 1000 ऊपर नीचे जो भी अब तुमने याद कर रखा है, अब आपने ना वो एक्चुअली फॉर्मूला याद किया हुआ है मिली लीटर के हिसाब से, कि जब भी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल्स में गिवन है. तो इसीलिए एग्जामिनर ने क्या किया, आपको चेक करने के लिए ना सीधा लीटर्स में दे दी वॉल्यूम, कि देखते हैं कौन अब क्या करने वाला है. ठीक है भाई, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं उस मिली लीटर में सीधा 2 डाल देते हैं और आपका जो आंसर आता है वो बहुत खतरनाक और गलत निकल के आता है. ओके, आगे देखो. मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने अभी देखा मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. मोल्स को आप किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हो? मैम मोल्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा हर बार बताया जा रहा है कि लीटर्स में लेनी है, तो क्या हुई यूनिट मोलारिटी की? मोल्स पर लीटर, ग्राम पर लीटर, मोल्स पर लीटर, लीटर पर मोल या मोल्स पर 1000 ग्राम्स. तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज मोल्स पर लीटर. आप देखो दो बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, इतना बेसिक क्वेश्चन. तो अगर हम लोग ये भी गलत कर रहे हैं तो हमारी नाव थोड़ी मुश्किल में है और हमें बहुत ज्यादा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है. ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 5.85 grams is dissolved of NaCl, जिसका molecular weight है 58.5, is dissolved in water and the solution is made up to 0.5 liters. The molarity of the solution is, बच्चे molarity पे based बहुत सारे questions मैंने particularly यहाँ पे add किए हैं ताकि आपको कोई problem नहीं हो. ठीक है, चल. So we have this. मोलारिटी हमको निकालना है. अगेन मोलारिटी मैम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास कितना है? 5.85 ग्राम्स. मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 58.5 ग्राम्स. Over volume of solution in liters, which is 0.5. हो गया आपका question solve. That's it. 0.2 molar आ गया आपका final answer. ठीक है भाई, 0.1 moles और ये हमारी volume है liters में already 0.5. So 0.1 divided by 0.5 is simply 0.2. So the correct answer is option number A. 0.2 मोलर. इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया तो उसमें 0.2 मोल्स प्रेजेंट होंगे NaCl के. ये हमारा बेसिक मतलब होता है किसका किसका किसका? मोलारिटी का, विच इंक्रीज
ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंजेस. अभी देखो बच्चे, अगर आप बात करो मोलारिटी की, मोलारिटी की, तो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो वॉल्यूम जो है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, है ना. अगर आप अपना टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे उस हिसाब से वॉल्यूम भी कम ज्यादा होगी, और अगर वॉल्यूम कम ज्यादा होगी तो मोलारिटी भी ऊपर नीचे होगी. तो इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारी मोलारिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. अब आप बोलोगे कि मैम मोलालिटी क्यों नहीं करती फिर? तो बच्चे मोलालिटी में हम क्या देखते हैं, मोलालिटी स्मॉल m, मोलालिटी में हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, राइट. तो बच्चे जो मास है वो टेम्परेचर के साथ थोड़े ना वेरी करता है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम वेरी करती है. ठीक है, सही है, कोई परेशानी इस बात में. एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू द मोल फ्रैक्शन एज वेल. सो प्लीज रिमेंबर दैट मोलारिटी अ चेंजेस विद टेम्परेचर. ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, यू कैन सी यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन, जो भी आपको समझाया गया वो गिवन है. रीड दिस. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2 लीटर्स ऑफ 0.5 मोलर NaOH. अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मैम मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहां से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम. मोलारिटी मुझे गिवन है 0.5, वॉल्यूम मुझको गिवन है कितनी, 2. सो 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 मोल जो है वो प्रेजेंट है. ये तो आपने निकाल लिया फॉर्मूला के साथ, है ना. अब देखो इसका बेसिकली क्या मतलब है. अगर 2 लीटर में 0.5 मोल्स है तो 1 लीटर में 1 मोल आएगा, 1 लीटर में 1 मोल आएगा. तो आपका आंसर सिंपली हो गया ऑप्शन नंबर C, 1. जैसे अभी हमने सॉल्व किया, दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60. अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 6 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर इज. मोलारिटी अपने को बतानी है मैम, मोलारिटी क्या होता है. अब देखो ऑलरेडी उसने आपसे पूछा है कि आपने 1 लीटर में मिलाया है, तो जितने भी मोल्स आप 1 लीटर में मिलाते हो वही तो उसकी मोलारिटी हुई. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको मोलारिटी आप कह सकते हो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल. सो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, गिवन मास 6 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट विच इज 60 ग्राम्स यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 मोल. कितना हो गया, 0.1 मोलर. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल. सो यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर C, 0.1 मोलर इज द राइट आंसर. तो आप समझ गए हो कि जो हमारा अभी टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट, वो है स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एज यू कैन सी हियर. ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैम स्टोइशियोमेट्री ना क्या होता है. ठीक है, तो बच्चे किसी रिएक्शन में एज यू कैन सी हियर इट डील्स विद द कैलकुलेशंस ऑफ मासेस एंड समटाइम्स वॉल्यूम्स एज वेल, है ना, ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे हम उन सभी चीजों का यूज करने वाले हैं जो हमने पिछले सेशंस में पढ़ी हैं, लाइक लिमिटिंग रिएजेंट, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, बेसिकली पूरा आपका मोल कॉन्सेप्ट, एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. हम यहाँ पे सब कुछ एक साथ चीजें यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं. अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले कॉन्सेप्ट्स आपने नहीं देखे हैं, देन प्लीज गो एंड वॉच देम, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. ओके, तो अब जल्दी से एक बार
स्टोइशियोमेट्री, जो समझाया गया है वही यहाँ पे रिटन है। हम यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री इससे ज्यादा समझने के लिए नहीं है, बट हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा नीट 2019 अभी रिसेंटली पूछा गया है, तो देखते कि क्वेश्चन क्या है। और आपको रियलाइज होगा मैम ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतना इजी क्वेश्चन। सो यस, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। तो देखो यार हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूं, सो इट इज N2 plus 3H2 gives you 2NH3. This is my balanced chemical equation. Please make sure, बच्चा जब भी आप स्टोइशियोमेट्री के बारे में बात करते हो ना, देन योर इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अभी देखो आपसे पूछा गया है कि 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए, 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए मुझे कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मोल्स के थ्रू कनेक्ट करके समझने की कोशिश करूं, तो मैं क्या बात बोल सकती हूं, जब एक मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो वो मुझे 2 मोल अमोनिया गैस देती है, ठीक है भाई। तो सबसे पहली तो देखो सिंपल सी बात क्या हुई कि हमें यहां से नाइट्रोजन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें यहां पे डील करना है हाइड्रोजन और अमोनिया के साथ। सबसे पहला पॉइंट कॉमन सेंस, मैम 3 मोल हाइड्रोजन गैस जब हम यूज करते हैं, कंप्लीट रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन गैस जब हम यूज करते हैं तो हमें 2 मोल अमोनिया मिलता है, सही है। तो 20 मोल अमोनिया हमें 30 मोल हाइड्रोजन गैस से मिल जाएगा, बड़ी सिंपल सी प्यारी सी बात है, 2 मोल अमोनिया मिल रहा है 3 मोल हाइड्रोजन से, तो 20 मोल अमोनिया मिलेगा 30 मोल हाइड्रोजन से। तो इसी सबसे पहले तो बेसिक कॉमन सेंस यूनिटरी मेथड से आपने ये इसको सॉल्व कर लिया। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम लिख के भी बताओगी कैसे आपने यूनिटरी मेथड लगाया, तो देखो बड़ा बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे बच्चे, आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 2 मोल्स अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड, आप क्या बोलते हो 2 मोल NH3 के लिए आपको 3 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 3 मोल्स H2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 1 मोल के लिए कितनी निकल कर आएगी, अगर मैं यहाँ पे 1 मोल अमोनिया की बात करूं तो ये निकल जाएगा 3/2 मोल्स ऑफ H2 is required, 3/2 moles H2 is required. हमें यहाँ पे कितने मोल मिल रहे हैं अमोनिया के, 20 मोल। तो 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 20 मोल्स NH3 के लिए, इट विल बी 3/2 × 20, कितना आ गया ये 30 आ गया ना, फिर से 30 मोल्स हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड के बेसिस पे हमने आंसर निकाला है। जो सेकेंड थर्ड क्लास के बच्चों को हम सिखाते हैं ना कि बच्चे अगर 2 से 3 मिल रहा है तो 1 से कितना मिलेगा, यूनिटरी 1 से कितना मिलेगा, 1 से इतना मिल रहा है तो 20 से कितना मिलेगा, बस ये सिंपल यूनिटरी मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं, एग्जैक्टली सोल्यूशन आपको गिवन है ताकि कोई परेशानी ना हो, है ना, अगर आपको कुछ इधर उधर लिखा हो, हैंड राइटिंग नहीं समझ, कुछ भी एन नंबर ऑफ रीजन, तो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज। अब आपको याद होगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मैम मोलारिटी, मोलालिटी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है,
ये रिलेशनशिप अभी अभी पढ़ा था, 1/molality इज इक्वल टू डेंसिटी बाय मोलारिटी माइनस, दिस इज माइनस साइन, माइनस एम टू बाय 1000। सारे वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दीजिए एंड आपको आंसर मिल जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम का है, तो मुझे लगता है यार ये आप कर लोगे। फॉर्मूला आपको गिवन है एग्जैक्टली, आपको मल्टीप्लीकेशन डिविजन एडिशन ये सब लगाना आपको आता है। ठीक है भाई, हमें मोलालिटी ही निकालनी है, डेंसिटी गिवन है। ठीक है चलो लिख लो इसको, 1/molality इज इक्वल टू डेंसिटी 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो 1.28, मोलारिटी इज 2 मोलर, 1.28 मोलारिटी इज 2 मोलर। M2, MAOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चे, 40 डिवाइडेड बाय 1000। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दैट 1.67 मोलल इज गोइंग टू बी योर आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल, सिंपली आपको बस फॉर्मूला में पुट करना था। नेक्स्ट देखो, व्हेन 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 गैस ईच एट STP, द मोल्स ऑफ HCl फॉर्मड इज इक्वल टू। ये भी एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नीट PYQs, ठीक है, जो आपसे कभी पूछा जा चुका है। चल सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन मैम कैसे लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl, दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, अभी देखो यहां पे वॉल्यूम गिवन है STP पे। आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि बच्चे आपको अगर वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आप कैसे निकालते हो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, राइट। लिख लो बच्चे इसको अगर नहीं याद है, और जिन बच्चों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज गो एंड वॉच देम। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम क्या होती है बच्चे, 22.4 लीटर्स। एवोगैड्रो अंकल ने बताया था कोई भी गैस एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm, इस कंडीशन में कितने लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम भी हमें इतनी ही है 22.4, और मोलर वॉल्यूम भी होती है कितनी, 22.4। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने गिवन है हमें, 1, 1 मोल गिवन है। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं गिवन कितना है, और यहां पे रिएक्शन के हिसाब से जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको 2 मोल HCl गैस देगा। ठीक है, सो गिवन हमको 1 मोल हाइड्रोजन गैस गिवन है, 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2, ये तो आपने बात करी किसके बारे में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। यहां बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 के बारे में, कितना होगा गिवन वॉल्यूम, 11.2 लीटर्स डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, कितना आ गया, 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स, राइट, 0.5 मोल्स। ठीक है, अब यहां पे हमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1, Cl2 के गिवन है 0.5, तो हमसे पूछा गया कितना मोल HCl बनेगा। तो बच्चे देखो यहां पे हमारा कौन सा मुद्दा आता है पिक्चर में, लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सा कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है यहां पे, लिमिटिंग रिएजेंट फॉर कंप्लीट रिएक्शन। 1 मोल हाइड्रोजन गैस को 1 मोल क्लोरीन गैस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास कितना प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है 0.5 मोल्स, तो यानी कि Cl2 ने रिएक्शन को लिमिट कर दिया, रिएक्शन को रोक दिया। तो सबसे पहली बात यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट, Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट,
H2 इज एक्सेस रिएजेंट, जो एक्सेस मात्रा में, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और वो रिएक्शन कुछ रिएक्टेंट जो है बच जाएगा, वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। सही बात है। तो अब देखो बेसिकली क्या होना है, इसका पूरा का पूरा 0.5 मोल रिएक्ट कर जाएगा, इसका एक में से 0.5 मोल रिएक्ट करेगा। ठीक है। अब देखो, जब आप एक मोल क्लोरीन, अब जो रिएक्शन आप देखोगे किसके हिसाब से देखोगे बेटा, क्लोरीन के हिसाब से देखोगे, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमको क्या पता है, जब मैं एक मोल Cl2 ले रही थी तो मेरे को 2 मोल HCl मिल रहा था। जितना मोल मैंने क्लोरीन का लिया उससे डबल मोल मुझे HCl का मिला। अभी मेरे पास कितने मोल प्रेजेंट है Cl2 के, 0.5, तो उसके डबल मुझे मिल जाएगा, उसका डबल मोल मिल जाएगा HCl। तो यानी कि कितना मोल HCl प्रोड्यूस होगा, 1 मोल HCl। ठीक है। ऐसे रिएक्शंस में आपको देखना होता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और पूरा रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलता है। तो 1 मोल HCl ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन भी गिवन है आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड देन वील डील विद इट इन द फर्दर वीडियोस। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6.02 × 10^20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is. तो देखो सबसे पहली बात, हर जगह capital M, capital M, capital M, capital M. यानी कि concentration हमें molarity के उसमें बतानी है। ठीक है, अपने को number of molecules given है, तो आप number of moles निकाल सकते हो ना। कैसे? यू ऑलरेडी नो के अगर आप इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो आप बोल सकते हो 6.02 × 10^20 / 6.02 × 10^23। ये कितना आ गया, 10^-3 मोल्स है ना। तो देखो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और यहाँ पे 100 ml of solution, तो अब आपको इसको किस में चेंज करना है बच्चे, लीटर्स में चेंज करना है, राइट? तो आप इसको लीटर्स में चेंज कर दोगे, मिली लीटर को किस में चेंज कर दोगे, लीटर्स में। यू ऑलरेडी नो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। सही बात है। तो यहां से जो आपकी वॉल्यूम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.1 liters, राइट? सही है, बस हो गया 10^-3 / 10^-1, आंसर आ गया 0.01 molar, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये भी एक नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो अ नीट PYQ। 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन were filled in a steel vessel and exploded. मतलब कि इनका रिएक्शन हुआ है। Amount of water produced in this reaction will be. Okay. You have H2 plus O2. Balanced chemical reaction लिखते हैं। It's gonna give me 2H2. It is a balanced chemical reaction. आपने हाइड्रोजन लिया कितना, 10 grams, आपने ऑक्सीजन गैस लिया कितना, 64 grams। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। बच्चे कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मैम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, पहले ऑलरेडी हम ये सब कर चुके हैं। तो चलो निकाल लेते हैं, गिवन मास 10 grams, ये इसको नीचे ही कर लेते हैं ना, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2, तो ये कितना आ गया, 5 मोल्स, राइट? ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं,
गिवन मास 64 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट 32, यानी कि 2 मोल्स, ठीक है, यानी कि 2 मोल्स। तो अभी देखो फिर से यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आने वाला है। अगर आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देखोगे तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस, ओके, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट, नाउ इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है भाई। 2 मोल हाइड्रोजन गैस जब 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको 2 मोल पानी मिल जाएगा। ये है हमारे पास क्या सीन है, हमारे पास 5 मोल हाइड्रोजन गैस है और 2 मोल ही सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस है। 2 मोल हाइड्रोजन को अगर 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो 5 मोल हाइड्रोजन को एक्चुअली 2.5 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ना आधे मोल्स की, 5 से आधे मोल्स की, है ना, 5/2 मोल्स की, यानी कि 2.5 मोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन, आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन हमारे पास कितने प्रेजेंट है, हमारे पास 2 मोल प्रेजेंट है। तो कौन सा रिएजेंट, कौन सा रिएक्टेंट कम मात्रा में प्रेजेंट है, मैम ऑक्सीजन। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्यों, क्योंकि उसके वजह से रिएक्शन लिमिट हो गया, है ना, और आगे नहीं बढ़ सकता। ऑल्दो हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्शन आगे हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि जो रिएक्शन है वो O2 के हिसाब से चलने वाला है। अब वापस से देखो बैलेंस्ड रिएक्शन को, मैम 1 मोल ऑक्सीजन जब मैं यूज कर रहा था तो मेरे को 2 मोल पानी मिल रहा था। अब की बात, अगर मैं 2 मोल ऑक्सीजन यूज करूंगा तो मेरे को 4 मोल पानी मिल जाएगा, 4 मोल्स डबल। अगर आपके पास 2 मोल्स ऑक्सीजन गैस है तो मुझे 4 मोल्स H2O मिल जाएगा, ठीक है जी, बड़ा सिंपल, बहुत इजी, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B विच इज 4 मोल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, वैसे कोशिश की गई है समझाने की, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम्स पर ml। द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, तो बच्चे मोलारिटी, मोलालिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन का ये फॉर्मूला मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। तो देखो हमको डेंसिटी गिवन है, मोलारिटी हमें निकालनी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमको गिवन है, मोलालिटी, मोलालिटी भी देखो गिवन है कि आपने 120 ग्राम यूरिया मिलाया है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि 1 kg ऑफ वाटर में जितने मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है वही उसकी मोलालिटी होगी, क्योंकि हम 1 kg सॉल्वेंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो चलो अगर आप मोलालिटी निकालो, मोलालिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे निकल के, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आप निकालोगे, गिवन मास 120 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज 60, राइट, तो ये आ गए 2 मोल्स, राइट, कितने मोल्स आ गए यूरिया के, अरे बाप रे ये क्या हुआ, 2 मोल्स आ गए यूरिया के, है ना। कितना आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, 1 kg, 1 kg। सो बेसिकली इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितने आपके पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वही उसकी मोलालिटी हो गई ना, अगर आप 1 kg सॉल्वेंट की बात कर रहे हो, तो यानी कि आपके यहाँ पे मोलालिटी निकल के आ गई है 2 मोलल। उसके अलावा डेंसिटी, डेंसिटी आपको गिवन है कितनी, 1.15 ग्राम पर ml, 1.15 ग्राम पर ml,
आपको इसके अलावा चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है 60। ठीक है, तो देखो सब कुछ तो मिल गया आपको, मोलारिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन में आपको सब कुछ गिवन है, बस एक अननोन है, वो निकल जाएगा, तो पुट कर लो यार एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो यू कैन से दैट 1 by molality, 1/2 इज इक्वल टू 1.15 डिवाइडेड बाय m, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, -60/1000। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से m की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा दिस ऑप्शन नंबर a इज द राइट आंसर। ठीक है, मुझे लगता है अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, फटाफट से आप इसको सॉल्व जरूर कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आईआईटी का क्वेश्चन है, क्या बात है, काफी पहले पूछा गया था बट पूछा गया था। ठीक है, अ मोलर सॉल्यूशन, मोलारिटी की बात हो रही है, अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 mole ऑफ सॉल्यूट इन, 1 mole सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, 1000 gram ऑफ सॉल्वेंट नहीं, 1 liter ऑफ द सॉल्वेंट। जनरली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 mole सॉल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए 1 liter ऑफ सॉल्यूशन में। बार बार इस बात को मैं एम्फेसाइज कर रही हूं, मोलारिटी में आप डील करते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, मोलालिटी में आप डील करते हो मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 16 gram ऑफ मीथेन, तो यहाँ पे बच्चे हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को जब आप एवोकाडो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स मैम गिवन मास 16 grams डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन इज आल्सो 16 grams, तो यानी कि ये आ गया 1 mole। सो 1 into Na, एवोकाडो नंबर इज सिंपली Na, तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, Na मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, सो यस हमने काफी सारे क्वेश्चंस अभी कर लिए हैं और यहाँ पे होता है हमारा सेशन फिनिश। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मिलते हैं हमारे आगे के वीडियोस में, टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing.